निश्चित रूप से उस राज्य के जो जिन विधायकों की चर्चा कर रहे हैं और जिस विषय की आप चर्चा कर रहे हैं उनकी बैठक प्रदेश के अधिकारियों के साथ और केंद्र के कुछ अधिकारियों के साथ होगी। जो भी विवरण होगा उस संदर्भ में आपको जानकारी दे दी जाएगी। ये अगर मुझे जानकारी हो तो बताऊँ। ऐसा है ना कि इस 11 साल का सवाल, ये फजल साहब 11 साल का सवाल वो 28 अकबर से प्राप्त है। ये जो 11 साल का जो अभिशाप मांग रहे हैं वो बेहतर होगा कि वहाँ 28 अकबर रोड से इसका 24 फिर मैं 53 साल के हिसाब रहे, बाकी 11 साल का तो उन लोगों से पूछें जी। देखिए इस पूरे विषय पर इस्तीफा ले लिया गया है जो आई डोंट थिंक इट्स एन एक्ट, इट्स नॉट एन एक्ट ऑफ करप्शन। देर आर रीजंस, पॉसिबली द सीनियर लीडर्स ऑफ द बीजेपी आर इंडल्जिंग इन इट, दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, देयर इज एन इंटरेक्शन ऑन, आई एम श्योर वी गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट वर द रीजंस एंड हाउ इट इज टू बी हैंडल्ड। या देखिए जैतापुर के सवाल पर, देखिए विशेष करके फुकुशिमा की घटना, सुनामी के उस पूरे घटना के बाद जापान में जिस प्रकार से, क्योंकि दुनिया के कई एक देशों में से जापान है जहां बड़े स्तर पर अनुऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है विद्युत उत्पादन के लिए, लेकिन जब से भारत में 123 अग्रीमेंट और सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल पारित हुआ है एक संशय बनी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी इस विषय को उठाया था और जैतापुर में इसके खिलाफ, हालांकि वो अभियान भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, लेकिन वो विषय बढ़कर के अब पर्यावरण से भी जुड़ गया है और एक समाज के लोग हैं जो भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हैं, दूसरे ऐसे भी लोग हैं जो उसके परमाणु ऊर्जा के उस स्रोत के विरोध में है। और ये दोनों, खास करके जापान की घटना के बाद, ये दोनों विषय प्रासंगिक हो चुका है। कल की हिंसा की पूरी चर्चा हमने सुनी है, आज भी हिंसा का वातावरण है, आज भी रत्नागिरी में तनाव है, ये चिंता का विषय है और हम नहीं चाहेंगे कि किसी प्रकार का हिंसा फैले, लेकिन ये मूल मुद्दा अपने आप में पूरे दुनिया में अब एक नए बहस का ये विषय बन गया है और खास करके भारत में तो ये निश्चित रूप से विषय है, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है परमाणु ऊर्जा के लिए वो मूलतः अमेरिकी अनुसंधान का अंग है और भारत में ये चर्चा है कि जिस टेक्नोलॉजी के इंपोर्ट की चर्चा की जा रही है वो अभी टेस्टेड नहीं है। जापान का टेस्टेड रहा है, रूस का टेस्टेड रहा है, जर्मनी का टेस्टेड रहा है, फ्रांस का टेस्टेड रहा, लेकिन जिस टेक्नोलॉजी की बात भारत में की जा रही है वो अभी भी टेस्टेड नहीं है और कई सारे लोगों ने इस पर अध्ययन करके अपना बयान देना शुरू किया है, ये चिंता का विषय है। तो मैं इसे हल्के ढंग से ये नहीं कहना चाहूँगा कि जो वहाँ का अभियान है उसके कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन इस देश में, भारत में परमाणु ऊर्जा पर एक नई चर्चा की आवश्यकता है, विशेष करके उस पृष्ठभूमि में जो हम जापान में देख रहे हैं और भारत का जो अब नया संदर्भ उभर के आ रहा है। You see, there is a growing debate. I can again assure you that we have this is a impromptu. No, sir. I am just reacting to her question and the general thought process behind it. What I want to say is this entire thing
is subject to a major debate in the country now. It is being subjected to a major debate in reference to Jaitapur. And I think there would be a situation, I won't say as a spokesperson that there has been a review, but we have expressed concerns about the ecological issues, about land issues, and technology transfer has been raised earlier by the Bharatiya Janata Party. The issue of strategic partnership was an issue which we think which was there. But having said that, these issues post Fukushima and Japan is a matter of concern. Yes, ma'am. Yeah. Whether you have nuclear power plants for power generation or whether you have nuclear plants for making armaments and bombs, the risk posed for a Fukushima type of accident is the same. In fact, if you make bombs and store them, you have additional risk. The point is either. Yeah, I think for ma'am, you are absolutely. I'm absolutely for civil purposes and military purposes. We have always distinguished a civilian. Ma'am, just a second. Ma'am, the civilian use of a nuclear fuel is a perpetual use in a plant. It's not a standby use. It's a perpetual use in a plant. It's. Rich uranium is used perpetually for generation. So I am not a technical man. That is what I am saying. But nuclear bombs are not perpetually used. So please, let's not mix the. And that is what exactly I said. Yes. No, ma'am. No, they are not being used. Civil. No, ma'am. They are not being used. That's a wrong assumption. No. Yes, Akhilesh. नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जिन सांसद जिन विधायकों ने जो कदम उठाया है उसकी उसके खिलाफ इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, उस पर चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, हमारे वरिष्ठ नेता उस संपर्क में है, जो भी स्थिति बनेगी आपको जानकारी दे दी जाएगी. अखिलेश, आपकी पार्टी हमेशा आईपीओ से अच्छे आचरण की वकालत करती है, लेकिन आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा इस तरह से बयान देते रहते हैं. कल उन्होंने जो बयान दिया है मायावती के बारे में, उनके नेताओं के बारे में, इसमें क्या कहेंगे? इसका जवाब पार्टी ने दे दिया. अखिलेश, आप पूछिए. आंदोलन के स्वरूप कई होते हैं और मैं समझता हूं कि इस पर अधिक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं. आंदोलन का स्वरूप अलग होता है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत आंदोलन के लिए तैयार हो रही है. अखिलेश, भाई क्षमा कीजिए, मुझे ना अमर सिंह जी के बारे में कहना है कुछ, ना उस प्रक्रिया के बारे में कहना है. मुझे लगता है कि पूरा वहाँ का अमर सिंह जी का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों गड़बड़ हो चुका है.